पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल पर तीन चार बदमाशों ने ताबड़तोड़ लोहे के सरिये से हॉस्पिटल पर हमला किया है। हॉस्पिटल डॉक्टर रमेश पटेल के साथ मारपीट की गई है। हॉस्पिटल में स्थित मेडिकल स्टोर में भी तोड़फोड़ की गई। डॉक्टर के चैंबर में भी अज्ञात युवकों ने तोड़फोड़ की। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त किया। घायल रमेश पटेल डॉक्टर को किया गया सरकारी हॉस्पिटल में रेफर। सुमेरपुर उपखंड के तखतगढ़ रोड पर स्थित महादेव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का ये पूरा मामला। दिन दहाड़े हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। पाली के सुमेरपुर से यह खबर, जहां आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। दिन दहाड़े हॉस्पिटल में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। पाली के सुमेरपुर से यह खबर। इस पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, और कुछ युवक एक साथ आए हैं और यहाँ पर लगातार आप देखिए, हालांकि समझाने की कोशिश ज़रूर, लेकिन उनको बिल्कुल समझ नहीं। और देखिए किस तरीके से ये तोड़फोड़ की गई है। पाली के सुमेरपुर से ये खबर और ये वीडियो भी सामने आया है। दिन दहाड़े हॉस्पिटल में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। डॉक्टर को भी मारकर घायल किया है। सरकारी अस्पताल में इलाज जारी, और ना सिर्फ ये बल्कि गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया है बदमाशों ने। हालांकि वजह क्या कुछ है, आखिर किस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी होगा। पाली के सुमेरपुर से ये खबर, जहां इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की है। इस तोड़फोड़ की घटनाक्रम को अंजाम दिया है बेखौफ, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हुए। दिन दहाड़े हॉस्पिटल में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। पाली के सुमेरपुर से यह खबर और ये तस्वीरें, जहां पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इन बदमाशों में जिस प्रकार से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और स्थानीय संवाददाता नारायण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। नारायण, वीडियो आना कि हमारे सामने है, बहुत कुछ क्लियर है इस वीडियो के माध्यम से, दिख रहा है कि किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है। रीजन क्या सामने आया है और जो डॉक्टर हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? हमने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर ने बताया कि कोई पुरानी रंजीत थी जिसे लेकर इसके हॉस्पिटल पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। उन्होंने बताया कि कोई डॉक्टर हैं विकास चौधरी करके, जिन्होंने एक राय होकर अपने गुरुओं को भेजकर उनके ऊपर हमला किया है। डॉक्टर का हाथ भी टूटा है और अभी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। डॉक्टर की हालत नाजुक है। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है, लेकिन शहर के अंदर ये तीसरी या चौथी घटना है ऐसी जो बाहर से आने वाले गुरके ऐसे हमले करके चले जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस पर ये सवाल या निशान लगता है कि बाहर के लोग यहाँ आकर ऐसे हमले करके चले जाते हैं और उनके हाथ खाली क्यों रहते हैं। नारायण, वीडियो में तो बहुत कुछ दिख रहा है, जो आरोपी हैं जो इस तरह से तोड़फोड़ करे उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। क्या किसी को पकड़ा नहीं गया है अभी तक? पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस नाम मात्र फॉर्मेलिटी कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और जिन्होंने ये हमला किया वो हमला पर मौके से फरार हो चुके हैं। अभी तक पुलिस के पास इसके लिए इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। कितनों की संख्या में थे, क्योंकि वीडियो तो काफी छोटा है, हालांकि तस्वीर बिल्कुल साफ है, लगातार नजर रहेगी। नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।